ये सिर्फ दंगा कराने का एक प्लान था, लेकिन ये यहाँ के प्रशासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने, पुलिस ने इसको फ्लॉप कर दिया। दंगल नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद ये बोला कि होने दो, जो एक बार का हो जाए। जब मनसे का झंडा अलग था, उसमें हरा भी था, नीला भी था, सफ़ेद भी था, भगवा भी था, तो ये सियासत जो है टर्न होते होते भगवा या हिंदुत्व के ऊपर अब मनसे आ गई है, और आगे भी अभी जो है हिंदुत्व पर ही काम करेगी। वो तो सरासर सर देख के ऐसा लगता है कि एक नफरत की ही सियासत वो करते हैं। हिंदू बुरा नहीं है, हिंदू धर्म बुरा नहीं है, लेकिन ये हिंदुत्व के नाम पर जो सियासत की जाती है और जिस तरह का नफरत फैलाई जा रही है, ये हिंदुत्व की बात कर। क्या लगता है इसे समाज में आपको समर्थन ज्यादा मिला कि विरोध ज्यादा है, या फिर ऐसा है कि चलो जाने तो छोड़ो, अभी अब तो हिंदुत्व पर है, मुसलमानों की जरूरत नहीं है अभी? ऐसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज हम पूना शहर के अध्यक्ष और हमारे कोंडवा एरिया के चहीते कॉरपोरेटर साईनाथ बाबर के साथ इस वक्त उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। दो मर्तबा अध्यक्ष रहे, एक कॉरपोरेटर रहे, एक मर्तबा इनकी वाइफ कॉरपोरेटर रही, और अभी साईनाथ बाबर कॉरपोरेटर है। आज तक हमारे एरिया के अंदर आप देखें, यहाँ पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है 70-80% है, और यहाँ पर हिंदू आबादी भी बहुत है। लेकिन इतने सालों में, मुझे खुद अभी 25-30 साल हो गए कोंडवा में, लेकिन कभी हमने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम विवाद कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। तो इसमें यहाँ की जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है, और यहाँ के जो भी नेता हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। आज हम इनसे कुछ अलग इंटरव्यू लेना चाहते हैं, इनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। साईनाथ बाबर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहला सवाल आपसे करूंगा कि आप यहाँ के कॉरपोरेटर तो है ही, लेकिन मनसे का जो अध्यक्ष और सदर बनकर आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? पिछले महीने 7 तारीख को पूना सिटी का प्रेसिडेंट बोल के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मुझे राज साहब ठाकरे ने बनाया। मैं जो पार्टी में गए कम से कम 12-15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, वो पार्टी का एक कार्यकर्ता बोल के काम शुरू किया था। आज पार्टी का पूना सिटी का प्रेसिडेंट है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो राज साहब के पास हम लोग देखने के लिए जाने के, आज वो राज साहब के साथ में काम करने को मिल रहा है। बहुत अच्छा है सर। मैं साईनाथ सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आपको सदर बनाया गया मनसे का, तो जैसे होता है ना, एक पार्टी का जो बड़ा होता है वो जब किसी को ये बनाता है, तो क्या यानी आपको थीम दिया राज ठाकरे साहब ने, या क्या बोला आपको कि आपको क्या करना है, किस लिए आपको ये अध्यक्ष पद दिया जा रहा है या सदर आपको बनाया जा रहा है, क्या उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? मुझे पूना सिटी का अध्यक्ष बनाते टाइम राज साहब ने मुझे बोला था, पूना के जो जो प्रश्न है, जो पब्लिक के प्रश्न है, उस पर आप काम करो। पूना में सबसे बड़ा अभी मसला है ट्रैफिक का, पानी का, रास्ते का, ड्रेनेज का, कचरे का, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूरे पूना सिटी के लिए है। उस पर आप लोग आवाज़ उठाओ, उसके लिए आंदोलन करो और प्रशासन को काम करने के लिए लगाओ। इसके लिए मुझे आज प्रेसिडेंट बोल के पूना का बनाया है। बहुत अच्छे। अभी आते हैं हम असल मुद्दे के ऊपर जो आजकल चल रहा है, लाउड स्पीकर के मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं, और अभी आने वाले दिन जैसे हैं अभी इलेक्शन वगैरह के, चुनाव के, और बिल्कुल सर पे हैं, अभी कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है, तो आप इस लाउड स्पीकर के मुद्दे को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं? ये लाउड स्पीकर का मुद्दा माननीय राज साहब ठाकरे ने भी बताया था कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। सामाजिक मुद्दे में इसमें राज साहब ने ये भी बोला था कि जैसे मस्जिदों के ऊपर जैसे भोंगे लगते हैं, वैसे मंदिरों के ऊपर भी लगते, उसके लिए बोला है। लेकिन जो अलग अलग पार्टियाँ है वो लोगों में बहुत सारी गलत फहमियाँ फैला रही, और राज साहब का मेन मुद्दा जो है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसको फॉलो करो, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको नॉर्म्स बना के दिए उस पर चलो, और लोगों ने उस पर कि गलत मैसेज लोगों में भेजना
हिंदू मुस्लिम होगा वो तरीके से बनाने के लिए बाकी पार्टियां जैसे राष्ट्रवादी शिवसेना ये सब कर रही, लेकिन राज साहब का मेन मुद्दा तो सामाजिक है, वो देख के काम करना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज से आपके ताल्लुकात, आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं पहले से ही, और आपने आपके समाज में भी आपके रिलेशन अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं, तो आपको ये हिंदू समाज से और मुस्लिम समाज से क्या रिएक्शन आपको मिल रहा है? मतलब क्या ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज बहुत खुश है लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर के, चलो अभी मस्जिद से उतर रहे हैं लाउड स्पीकर, और मुस्लिम समाज क्या नाराज़ है इस चीज़ को लेकर? आप क्या फील करते हैं? हमको तो पता है क्या है क्या नहीं, लेकिन आपके दिल में क्या है, आपको क्या लगता है? जब से ये मुद्दा आया है तभी से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी समाज खुश हो या कोई भी समाज नाराज़ हो, इसके लिए हम लोग काम ही नहीं करते। जो सामाजिक मुद्दा है उस पर काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में थोड़ी सी नाराज़ी है कि मस्जिदों के ऊपर बहुत से सालों से वो सब भोंगे लग रहे, उसके ऊपर लोगों में थोड़ा सा रोष है। जैसे गणपति में भी पूरे रात गणपति में भी स्पीकर चलने के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे ऑर्डर दिया तभी से बहुत सारे स्पीकर बंद भी हो गए, जो पूरे रात भर चलने के, वो भी 10 दिन चलने के, वो भी पूरे बंद हो गए। वैसे ही ये मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, दोनों समाज ने उससे अच्छी तरीके से लेना चाहिए और सामाजिक सद्भावना एक साथ में रखनी चाहिए। अच्छा, आपने जब से आप कारपोरेटर बने हैं या पहले से, मतलब कभी कोंडवा में हिंदू मुस्लिम का कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी विवाद नहीं हुआ, और आपस का जो हमारा जो सद्भाव है, हमारा जो आपस का एक मानवता का रिश्ता है, और हम धर्म मज़हब से ऊपर उठकर हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, आपको क्या लगता है लाउड स्पीकर के मुद्दे से उस पर्टिकुलर उस चीज़ को, उस प्यार, उस प्रेम, उस मोहब्बत, उस एकता को, उस अखंडता को धक्का पहुँचा? मुझे लगता है कि ये सब लाउड स्पीकर के मुद्दे से जो लोग समझदार है, जो रिलेशन रखना जानते हैं, उन लोग बहुत सारे लोग आके मिल रहे भी मुझे, जिनको लगता है कि यही मुद्दा धार्मिक मुद्दा बना के कोई लोग सामने रख रहे तो लोगों में गलत फहमी फैला रहे, उनके वजह से नुकसान भी होता है, लोगों में गलत फहमी भी हो रही। लेकिन मैं खुद कोंडवा में जिधर 10 साल से कॉरपोरेट रहे, वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा ये मुद्दा धार्मिक नहीं है, इसको धार्मिक बनाया जा रहा है, उसको सामाजिक मुद्दा बोल के लो। और जो लोगों ने, मुझे लगता है कि 4 तारीख से बहुत सारे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे वो हिसाब से बहुत सारे मस्जिदों ने के मौलाना ने या जो भी उनके जिम्मेदार हैं उन्होंने बहुत सारी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया, उसके लिए मैं उनके शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर किए थे उनका शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपन एक रूल सुप्रीम कोर्ट का जब भी एक आधा आदेश आता है तो वो रूल बन जाता है, वो रूल बनने का तो अपन उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वो उसके लिए मैं सभी मस्जिदों के जो प्रमुख है उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कानून सबके लिए बराबर है, अगर मस्जिद से भोंगे उतरेंगे तो मंदिर से भी उतरेंगे, तो जाहिर है कि दोनों समाज को इससे दुख हुआ या दुख होगा, तो आपको नहीं लगता ये एक अननेसेसरी मुद्दा है उठाया गया, जबकि बड़े बड़े मुद्दे अभी भी है, जैसे अपने यहाँ देख लो बहुत सारी चीज़ें अभी काम के हैं, क्योंकि काम हमेशा बैलेंस होता है और बाकी रहता है, लेकिन ये एक अननेसेसरी मुद्दा है, इसको उठाकर कोई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया आपको लगता है ऐसा? बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की बात ही नहीं, मैं बोला ना आपको ये भोंगे का जो मुद्दा है वो लोगों को, आपको लगता है कि ठीक है कि वो जैसे मस्जिदों के उतरे गए तभी मंदिर के भी उतरे, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने उनका जो शिरडी के मंदिर के निकाले या पंडरपुर के विट्ठल मंदिर के निकाले, जो लोगों को, जो लोग उधर रहते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है कोई लोगों को तकलीफ़ होती है किसको नहीं होती है, लेकिन जो लोगों को तकलीफ़ होती है, आज नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोग जो हार्ट पेशेंट रहते हैं, जो बीमार रहते हैं, कोई छोटे बच्चे रहते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, आप एक लिमिटेड डेसिबल में आप करो तो उसके लिए फ़ायदा भी होता है, लोगों को भी तकलीफ ना हो। जैसे मैं अभी बता रहा था बहुत सारे मुद्दे, अभी देखिए लोड शेडिंग का मुद्दा कितना है, अभी लाइट चली गई हमारी, तो ये मुद्दे उठाने नहीं, ये तो मुद्दे पहले दिन से हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बोल के
राज साहब ने उठाए, राज साहब ने ब्लू प्रिंट भी बनाया, आपने देखा रहेगा पूरे महाराष्ट्र के लिए लाइट के लिए क्या करे, पानी के लिए क्या करे, कचरे के लिए क्या, उसका पूरा कैसे प्लानिंग रहेगा, उसका पूरा ब्लू प्रिंट बना के लोगों के सामने रखा है। सर मैं एक बात बताऊं आपको, अभी ये जो गुड़ी पाड़वा की सभा थी, पहली गुड़ी पाड़वा की थी ना, उससे पहले सब इजी था सर। आप यहाँ पर मतलब हर हिंदू मुस्लिम की जबान पर थे आप, और आपकी सीट श्योर, ऐसा मतलब साइनात का यार कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अब इस मुद्दे की वजह से आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए टफ हो गया, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ने वाली है? वो चीज़ के लिए तो ये जो मुद्दा आया उसके बाद में बहुत सारे लोगों में नाराज़ी भी हो गई, लेकिन मैंने जो 10 साल में पूरे कोंडवा में जो काम किए उसमें हिंदू लोगों के भी काम किए, मुस्लिम समाज में भी काम किए, और मुस्लिम समाज के जो भी काम किए वहाँ राज साहब ठाकरे भी आए थे, मुझे लगता है कब्रस्तान में आए, उर्दू स्कूल में आए, अपन ने दवाखाना बनाया उसमें आए, बहुत सारे चीज़ में राज साहब भी आए। लेकिन ठीक है, लोगों के दिल में अगर उसके लिए कुछ गलत हो गया तो वो समझने की कोशिश करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में कैसे अपन कर सकते हैं उस पर काम करना ज़रूरी है। अच्छा, आपको क्या लगता है इसे समाज में आपको समर्थन ज़्यादा मिला कि विरोध ज़्यादा मिल रहा है? शुरू में तो विरोध ज़्यादा था मुस्लिम समाज में इसका, लेकिन जैसे जैसे लोगों को हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे कि बाबा ये मुद्दा हनुमान चालीसा रहे या आजान रहे, जैसे हम लोग आपकी आजान भी सुनते हैं तो हमको कुछ लगता नहीं, वैसे हनुमान चालीसा आप अभी आपने भी मुझे बताया कि जो लोग हिंदू भाई आपके दरवाजे में आएंगे, आपके मस्जिदों के सामने आएंगे, उनको प्यार से बुलाओ, उनको समझाओ, उनको चाय पानी शरबत करो और उनको समझाओ। हम लोग भी वही कहना चाहते कि बाबा इसको गलत ना लेके सही लेके, इसमें लोगों में हिंदू मुस्लिम में गलत फहमी ना फैले, यही हमारा भी कहना। आपके विरोधी जो है, जो आपकी दूसरी पार्टियां हैं जो आपके विरोध में, कहते हैं कि ये सिर्फ दंगा कराने का एक प्लान था, इंटेंशनली यानी बाकायदा नीयत के साथ किया गया कि कुछ ना कुछ दंगल हो जाए, लेकिन ये यहाँ के प्रशासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने, पुलिस ने इसको फ्लॉप कर दिया। नहीं, दंगा करने के लिए पहले राज साहब ने बोला था मुझे किधर भी महाराष्ट्र में दंगल करने की नहीं है। हम लोगों ने 93 में दंगल देखे तो उससे नहीं, ये बोला उन्होंने दंगल नहीं करनी है, लेकिन उसके बाद ये बोला कि होने दो, जो एक बार का हो जाए। नहीं नहीं, वो पुलिस को बोला कि बाबा ये जो गलत हो रहा है उस पर आप काम करो, दंगल होने के लिए। वो भाषण में भी आपने शायद सुना रहेगा, हम लोग नहीं चाहते कि किधर भी हिंदू मुस्लिम हो उससे लोगों का नुकसान ही होने वाला, तो वो समझाने की भी कोशिश की है कि बाबा पुलिस ये काम करे, जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे। लेकिन सर एक बात बता, जब आप मनसे में आए थे, जब मनसे का झंडा अलग था, उसमें हरा भी था, नीला भी था, सफ़ेद भी था, भगवा भी था, तो ये सियासत जो है टर्न होते होते भगवा या हिंदुत्व के ऊपर अब मनसे आ गई है और आगे भी अभी जो है हिंदुत्व पर ही काम करेगी, ऐसा आपको लगता है क्या? मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे कि पहले झंडा अलग था अभी झंडा अलग है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हिंदुत्व के मुद्दे पे अभी काम कर रही है, लेकिन हिंदुत्व स्वीकार ना बोले तो जो दूसरी कौम के उसके खिलाफ जाना ऐसे नहीं होता है। हिंदुत्व स्वीकारा तो भी हम लोग जो अदर समाज है, जो बाकी के समाज है, उनके साथ में काम करते हैं, उनके दूसरी पार्टी को जो हिंदुत्व है वो तो सरासर सर देख के ऐसा लगता है कि एक नफरत की ही सियासत वो करते हैं। हिंदू बुरा नहीं है, हिंदू धर्म बुरा नहीं है, लेकिन ये हिंदुत्व के नाम पर जो सियासत की जाती है और जिस तरह का नफरत फैलाई जा रही है, ये हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ सर मैं। नहीं, वो हिंदुत्व अभी हर एक का हिंदुत्व अलग है। हमारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज साहब हमें सिखाते वो हिंदुत्व की हमारे पार्टी में पहली पार्टी रहेंगी, इधर कोई भी जाति का सेल नहीं, इसमें ना माइनॉरिटी का सेल मिलेगा आपको, ना ओबीसी का मिलेगा, ना ऐसा कोई सेल मिलेगा। लेकिन जब भी हर समाज के लिए आप काम करो और समाज के लिए काम करते करते लोगों का दिल जीतो, यही कहना है राज साहब का भी। चलिए, बहुत अच्छी बात। मैंने साईनाथ बाबर से बहुत सारे मेरे दिल में बातें थी जो मैंने पूछा, और साईनाथ बाबर ने उसका बड़े अच्छे से रिप्लाई किया, जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि साईनाथ बाबर ने जितनी बातें कही हैं, क्या साईनाथ बाबर सच कह रहे हैं, या आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ये भी पॉलिटिक्स थी, या उन्होंने पॉलिटिकल जवाब दिया?
तो आप अपने रिप्लाई जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं हमको कि इस वक्त जो है मनसे किस रास्ते पर निकल गई है पहले जैसे। हाँ सर, एक बात और मुझे पूछने की थी कि बहुत सारे आपके साथ में मुस्लिम भी जुड़े हुए थे लेकिन उन्होंने जो है इस्तीफे दे दिए, जगह जगह पर ये न्यूज़ आई, तो क्या उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसा है कि चलो जाने तो छोड़ो, अभी अब तो हिंदुत्व पर है, मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है अभी? ऐसे नहीं है, जो जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था हम लोगों ने उसके उन सभी मुसलमान हमारे जो भाई थे उनके घर पे जाके उनको समझा रहे कि बाबा राज साहब का मुद्दा क्या है। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे रिटर्न ये भी डाले कि इस्तीफा हम लोग पीछे ले रहे, जो गलत हो रहा है समाज के खिलाफ रहेंगे तो हमें भी बोलने को आ रहा नहीं, लेकिन जो धार्मिक मुद्दा नहीं है सामाजिक मुद्दे है उस पर काम करना रहेगा तो अलग बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आके बोलते भी है कि नहीं ये गलत हो रहा है, कोई चीज़ सही हो रही। अच्छा, लास्ट सवाल मुझे वसंत मोरे जी के बारे में पूछना है कि उनका स्टैंड जो है पहली सभा के बाद से थोड़ा सा अलग है, सारी दुनिया उसको देख रही है, भले वो भी कुछ कहे या आप भी कुछ कहें, लेकिन वो थोड़ा सा इसमें बैलेंस हो गए या अपने आप को इस आंदोलन से वो ज़रा साइडलाइन कर रहे हैं। जैसे अभी देखो आप इस आंदोलन में वो तिरुपति चले गए या औरंगाबाद की सभा में वो लेट पहुँचे है ना, या फिर दूसरे वक्त में यानी मतलब इस तरह से वसंत मोरे को, और फिर एक और लोग बोलते हैं कि वसंत मोरे आप और साईनाथ एक दिल और एक जान थे है ना, लेकिन साईनाथ अध्यक्ष बन गए वो उनको हटा के, तो दोस्त ने दोस्त के पीठ में मतलब ऐसा हो गया कि साईनाथ नहीं बोल सकते थे नहीं मेरा दोस्त है मैं नहीं अध्यक्ष बनता हूँ। ये पार्टी कोई भी पार्टी का एक प्रोसेस है, आप समझिए, पहले कोई भी पार्टी में कोई भी परमानेंट कोई पद पे रहता नहीं, हर एक जन एक साल बाद दो साल बाद उसको चेंज करते और पहले वाले को पूछ के चेंज नहीं करते। जब भी उनको पद मिला था तभी हमारे अजय शिंदे थे जो पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके बाद में वसंत मोरे बनाए, वसंत मोरे के बाद में मुझे बनाए। दोस्ती अलग बात होती है और रिलेशन अलग बात रहता है। उन्होंने अभी क्या स्टैंड लिया है वो आप उनसे एक बार बात करें। आपको बधाई दी उन्होंने? मुझे बधाई दी सब चीज़ें, हम लोग मैं जब भी मुंबई से निकला उसके बाद में उनके पास पहली बार गया, उनसे बात भी किया, उनको समझाया भी, अभी वो पार्टी में काम भी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो हमारे साथ में। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लाउड स्पीकर का जो मुद्दा है ये सही है गलत है ये अपनी जगह पर है, वो उसको हम ये इतना महत्व नहीं देते, लेकिन जैसे लगता है कि हमारे देश में बहुत सारे और मुद्दे भी थे जिसके ऊपर राज ठाकरे साहब लड़ सकते हैं और उनका आंदोलन बहुत सक्सेस जाता है कामयाब जाता है, तो वो और ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर लड़ सकते थे, लड़ना चाहिए था, लेकिन क्या करें हमारे देश का ये थोड़ा सा दुर्भाग्य बोलेंगे बदकिस्मती बोलेंगे कि जब तक हिंदू मुस्लिम न किया जाए तब तक कोई पॉलिटिशियन ऊपर नहीं आता है, हाईलाइट नहीं होता है, मीडिया को TRP नहीं मिलती है, ये हमारे देश की बदकिस्मती है। जब तक ऐसा चलता रहेगा बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि जब तक हम हिंदू मुसलमान और जितने भी हिंदुस्तानी भारतीय है सब मिलकर अपनी एकता को बनाए रखेंगे और आपस का प्रेम आपस के रिलेशन एक साथ आप रखेंगे तो इंशाल्लाह हमारा देश भी तरक्की करेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा। और कभी भी याद रखो, मैं आखिरी में ये नसीहत करना चाहूँगा कि झंडा आप किसी भी पार्टी का पकड़ो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपस के रिलेशन आपस की दोस्ती आप बिल्कुल ख़राब मत करो। मैं हिंदुओं से भी कहना चाहता हूं कि आपका एक मुसलमान पड़ोसी ज़रूर होगा, एक मुसलमान दोस्त ज़रूर होगा, मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी एक हिंदू पड़ोसी होगा एक हिंदू दोस्त होगा। ये पार्टी के जो चक्कर हैं या पॉलिटिक्स है उससे चक्कर में आप ना जाते हुए आप अपनी रिलेशन अपनी दोस्ती को संभालो, अपने मुल्क को संभालो। ये सब जो है एक पॉलिटिकल स्टंट रहते हैं, ये थोड़े दिन के रहते हैं उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इनके चक्करों में आकर हम आपसी ताल्लुकात को ख़त्म न करें इस बात की हम कोशिश करें। मैं साईनाथ बाबर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि अध्यक्ष बन गए हैं तो अभी वक्त बहुत कम है उनके पास में, लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर।